नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवाड़ी। दोस्तों, हम जो शिक्षा के अंदर जो एक करप्शन, जो एक फर्जीवाड़ा जो लगातार स्टूडेंटों के साथ किया जाता है, उससे आपको अवेयर करने के लिए समय समय पर आपको वो जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि उन जानकारी को देखकर आप अवेयर हो सकें और आप इन जो फ्रॉड हैं, जो एक फर्जीवाड़ा है, इससे आप बच सकें। जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, इनके अंदर किस तरीके से एक स्टूडेंट को आसानी से जो बैकडेटेड डिग्री मिल जाती है और उनका रिकॉर्ड जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से आपको शो भी किया जाता है, जब आपके पास पर्टिकुलर इनका पासवर्ड आईडी आपको मिल जाता है तो आप उसे जाकर आसानी से देख सकते हैं। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि सर, अगर हमने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैकडेटेड डिग्री ली है और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर स्टूडेंट लॉगिन आईडी जो कॉर्नर बना हुआ है वहाँ पे जब हम जाकर हमारा आईडी पासवर्ड जब डालते हैं तो हमें वहाँ पे हमारी पूरी डिटेल मिल जाती है, तो क्या हमारी जो डिग्री है वो सही है या नहीं है? आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वहाँ जो डिग्री दिखाई दे रही है वो सही है या नहीं। वैसे तो हम किसी भी डिग्री को फर्जी नहीं बताते हैं, हम सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बैकडेटेड डिग्री ली है या फिर कोई जुगाड़ सेटिंग से कोई डिग्री ली है तो उसे आपको वेरीफाई ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जब कभी भविष्य में दिक्कत आएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी तो कम से कम आप उस एविडेंस के बेस पर उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट खड़े तो हो जाओगे, अन्यथा आपकी उन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी से आपने बैकडेटेड डिग्री ली और वो यूनिवर्सिटी दो साल बाद किसी स्कैम में आ गई। स्कैम के आने के बाद यूनिवर्सिटी की जो इन्वेस्टिगेट किया उस मामले को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उन्होंने एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है या फिर आपका वहाँ पर नाम है, आपकी डिग्री को फर्जी बोल दिया जाता है। अब आपके पास क्या चारा है उस डिग्री को मतलब सही कराने का, आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्या कहोगे, आपके पास कौन से एविडेंस है जिससे आप ये साबित कर दोगे कि वो डिग्री जो मैंने यूनिवर्सिटी से ली थी मैंने खुद ने अपने लेवल पे तैयार नहीं की है और मेरी डिग्री फर्जी आप कैसे बता रहे हो। आपके पास इस तरीके का बोलने का कोई चारा नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई भी ऐसा एविडेंस होता ही नहीं है जिससे आप ये यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लगा सको कि ये डिग्री आपने मुझे दी और अब आप मुझे इस डिग्री के बारे में आप फर्जी बोल रहे हो। दोस्तों, इसलिए हम आपको समय समय पर बताते हैं कि अगर आपने ले ली कोई बात नहीं, लेकिन उसे कम से कम आपको वेरीफाई जरूर करा लेना चाहिए ताकि आप पे कोई प्रॉब्लम ना आए। भविष्य में अगर कहीं बात आए भी तो कम से कम हम ये कहकर तो बच जाएं कि भाई हमने तो आरटीआई लगाई थी, यूनिवर्सिटी ने जवाब नहीं दिया, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अपनी डिग्री को वेरीफाई कराना चाहता था। आज जो आपका जो क्वेश्चन था कि सर, जो हमारा जो ऑनलाइन जो वेबसाइट पे या फिर जो पासवर्ड आईडी से जो स्टूडेंट कॉर्नर है वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट शो हो रहा है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, तो आपको इसके लिए एक चीज़ को समझना होगा। दोस्तों, जो वेरिफिकेशन के लिए हम आपको आरटीआई बताते हैं, ईमेल बताते हैं या फिर थर्ड पार्टी बताते हैं, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो एक वेरिफिकेशन का पार्ट है। और जो आप जो लॉगिन आईडी की बात कर रहे हो, ये लॉगिन आईडी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बनाई जाती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। और सबसे बड़ी बात, उस यूनिवर्सिटी में आपके साथ कितने स्टूडेंट थे, उस यूनिवर्सिटी के पास कितनी सीटें थी, वो कितने स्टूडेंटों को एडमिशन लेकर कोर्सेज कराने की उसके पास क्षमता थी, ये चीज़ें आप वहाँ से नहीं चेक कर पाते, क्योंकि पर्टिकुलर प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग पासवर्ड आईडी होता है जो कि वो खुद क्रिएट करते हैं और वो कितने भी लोगों के साथ क्रिएट करके उन लोगों को बताया जा सकता है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आपके साथ जो स्टूडेंट है, आपके साथ जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उनकी संख्या आखिर कितनी है। दूसरी बात, अगर यूनिवर्सिटी इतना ही हरिश्चंद्रवादी या सत्यवादी है तो यूनिवर्सिटी को जो भी क्लास, जो भी एग्जाम जो हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा की, उन्होंने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एक लिस्ट
बनाकर वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देते हैं। उन्हें भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी इस तरीके का रूल लागू कर देना चाहिए। उनको जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी सबकी लिस्ट वहाँ पर डाल देनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये चीज़ करने लग गए तो इनकी सच्चाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके की चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप राजस्थान की माधव यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में जाकर ये देख सकते हैं। वहाँ पे भी स्टूडेंटों की लिस्ट बनाकर उन स्टूडेंटों की लिस्ट को डाल दिया जाता है, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट टोटल कितने थे। बेसिकली जो आईडी पासवर्ड जो क्रिएट किया जाता है, ये कितने भी लोगों को क्रिएट करके उन लोगों को दिया जा सकता है, जिससे आप ये कभी भी पता नहीं लगा सकते कि आपके साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट कितने थे या कितने लोगों के एडमिशन आपके साथ हुए थे। और बेसिकली जो हम जिस विषय पर बात करते हैं वो सबसे पहले यही है कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी को कितनी सीटें मिली हुई थी जिसके रिगार्डिंग वो सब्जेक्ट या वो कोर्सेज करा सकती थी। जो फर्जीवाड़ा है उनकी एक लिमिटेशन होती है हर सब्जेक्ट की, हर कोर्सेज की। उस लिमिटेशन से अगर अबोव डिग्रियाँ हो जाती है वही फर्जी की श्रेणी में हम मानते हैं, क्योंकि जो बैकडेटेड डिग्रियाँ होती है वो उस लिमिट को क्रॉस करके जो डिग्री दी जाती है वो लिमिट को क्रॉस करके डिग्री दी हुई होती है। और उसका जो पर्टिकुलर मतलब एनरोलमेंट नंबर है या फिर और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी उनसे भिन्न होती है जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, वो हम आगे आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे समझा देंगे। लेकिन जो जिस बेस पे या जिस आधार पे हम ये मानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो स्टूडेंट कॉर्नर दिखाई देता है और अगर वहाँ पे हमने ये डाल के देख लिया तो वो हमारी डिग्री वैलिड है या नहीं है, ये चीज़ें यूनिवर्सिटी ही अच्छे से बता सकती है, क्योंकि ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बनाई जाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी किसी भी डॉक्यूमेंट को देने के बाद जब वो मना कर सकती है, वो बोल सकती है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे नहीं है, तो फिर वो जो स्टूडेंट लॉगिन आईडी जिसकी आप बात कर रहे हो वो क्या चीज़ है? क्या वो उसे मना नहीं कर सकती? क्या उसे वो जो एनरोलमेंट नंबर या फिर जिस डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन देख रहे हैं क्या उसे डिलीट नहीं कर सकती? तो आपको इन चीज़ों के अंदर ना पढ़ के आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है जिसके लिए हमने आपको बताया है, या तो आप RTI ईमेल के द्वारा भी वेरीफाई करा सकते हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा वेरीफाई करा सकते हैं, इन प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वेरीफिकेशन का मामला है, वेरीफिकेशन से मतलब है। और इस तरीके का जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये एक, अगर वीडियो के द्वारा इसे अगर अपन सेव कर लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाता है जो कोर्ट के अंदर सेकेंडरी रूप से देखा जाता है, इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आपको जो लिखित जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है शायद आप समझ गए होंगे, और अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर किया करो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।